वेलकम बैक स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 लेट स्टार्ट विथ सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 9 एंड लेक्चर 3। द टुडेज टॉपिक इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल। ठीक है, आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल। सॉइल में एब्जॉर्प्शन कैसे होता है वाटर का, वाटर कैसे एब्जॉर्ब करता है सॉइल में। ठीक है, इसके पहले हमने प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल और मॉइस्चर इन सॉइल पढ़ा था। सॉइल में मॉइस्चर होता है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन सॉइल में देखिए, इसमें एक्टिविटी एक है, एक्टिविटी 9.6। एक्टिविटी 9.6 इन दिस एक्टिविटी बीकर, इसमें बीकर है, फनेल लगा हुआ है, फनेल में इन द फनेल अ फिल्टर पेपर का एक लेयर है एंड दैट इज ड्रॉपर। ठीक है, ड्रॉपर से हम क्या इसमें फिल कर रहे हैं, वाटर। ये वाटर फिल्टर पेपर से फिल्टर होते हुए ये वन बाय वन आता है कहां, बीकर में। ठीक है, ये क्या है, वाटर। तो नाउ आफ्टर दैट पोर वाटर ऑल ओवर द सॉइल, कीप पोरिंग वाटर ड्रॉपिंग, सब्ट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर बाय द मेजरिंग दिस अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन बाय द सॉइल रिकॉर्डिंग। जैसे कि वेट ऑफ सॉइल, मान लीजिए सॉइल का वेट हम 50 ग्राम लेते हैं। ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम वाटर इन द सिलेंडर रियल लेंथ, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल। अगर आपके सॉइल में जो वाटर है दैट इज फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर, फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर BML, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब यू माइनस वी। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर मतलब स्टार्टिंग में जो वाटर है वो UML। ठीक है, फिर उसके बाद है फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर, फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर VML। तो वॉल्यूम ऑफ फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर मतलब लास्ट में जो वॉल्यूम वाटर का इसमें हमने फाइंड किया पाया, तो क्या होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय सॉइल, वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय सॉइल दैट इज यू माइनस वी। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जब V में वाटर कुछ कम आता है तो इसका मतलब सॉइल जो है, सॉइल कुछ वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, तो वो कितना किया, कितना एब्जॉर्ब किया वाटर, आपको यहां से दोनों डिफरेंस करने से पता चल जाएगा। तो यही है इसमें, अब इसको आप कितना इसमें लेते हैं, वेट ऑफ सॉइल कितना था, 50 ग्राम था। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब, परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब इज इक्वल टू यू माइनस बी। ठीक है, और टोटल सॉइल, टोटल वेट ऑफ सॉइल कितना था, 50। परसेंटेज भी फाइंड करना है तो इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बाय दिस फॉर्मूला
you can get percentage of water absorbed by the soil. By this formula you get percentage of. ठीक है, अब है next topic soil and crops. Soil and crops. Soil and crops. You know that जो crops होते हैं, जो फसल होते हैं, crops means क्या होता है? फसल. Crops means फसल. तो जो फसल उगाए जाते हैं वो कहाँ होते हैं? मिट्टी में होते हैं, soil में होते हैं, ठीक है ना, field में होता है. फील्ड में बस सॉइल ही सॉइल होता है, तो उस फील्ड में सॉइल को पहले मॉइस्चराइज करना होता है, मतलब वाटरिंग करना होता है, फिर उसमें सीडलिंग करनी होती है, और फिर जाके तब क्रॉप्स धीरे धीरे ग्रो करते हैं. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. इंडिया में डिफरेंट जगह जगह पे डिफरेंट टाइप्स के सॉइल पाए जाते हैं. दे आर क्ले सॉइल इन सम पार्ट, लोमी सॉइल, है ना, और बहुत जगह पे सॉइल इज अफेक्टेड बाय विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी. सॉइल जो है अफेक्टेड होता है किससे? टेम्परेचर से, रेनफॉल से, लाइट से, ह्यूमिडिटी से, ये सबसे अफेक्टेड होता है. दीज आर सम इम्पोर्टेंट क्लाइमेट फैक्टर्स विच अफेक्ट द सॉइल प्रोफाइल एंड ब्रिंग चेंज इन द सॉइल स्ट्रक्चर, और सॉइल के स्ट्रक्चर में फिर चेंज होता है बाय द क्लाइमेटिक फैक्टर. ठीक है, तो आपने देखा कि सॉइल इज अफेक्टेड बाय, सॉइल इज अफेक्टेड बाय विंड, ह्यूमिडिटी. ठीक है, विंड, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, रेनफॉल, टेम्परेचर, रेनफॉल एक्सेट्रा. ठीक है, तो बहुत सारे हैं जो सॉइल को अफेक्ट करते हैं. दीज आर द फैक्टर्स. एज वेल एज द कंपोनेंट ऑफ सॉइल डिटरमाइन द वेरियस टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड क्रॉप्स दैट माइट ग्रो इन एनी रीजन. Clay and loamy soils are both suitable for growing cereals like wheat and gram. Clay and loamy soil. देखिए फ्रेंड्स, clay and loamy soil. ये किसके लिए होता है? Clay और loamy soil by the growing cereal like wheat and gram. Wheat and gram के लिए. Wheat ग्राम के लिए, वीट एंड ग्राम मतलब गेहूं और चना के लिए क्ले सॉइल. सब सॉइल्स आर गुड एट रिटेनिंग वाटर. इसमें क्ले में रिटेनिंग, जो इन प्रीवियस लेक्चर आई एक्सप्लेन द क्ले सॉइल, लोमी सॉइल, सैंडी सॉइल. ठीक है, फॉर पैडी सॉइल, फॉर पैडी सॉइल रिच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड हैविंग गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर फॉर एग्रीकल्चर. पैडी के लिए भी क्ले सॉइल, आप यहाँ पे पैडी लिख सकते हैं. पैडी मतलब धान, तो धान के लिए भी क्या है? क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड हैविंग गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर. फॉर लेंटिल्स, मसूर, मसूर के लिए एंड अदर पल्सेस, और भी दालों के लिए लोमी सॉइल विच ड्रेन वाटर इज वेरी रिक्वायर्ड. लोमी सॉइल में जिसमें कि वाटर एक्सेस नहीं रुकता है, ड्रेन हो जाता है. देखेंगे लोमी सॉइल में क्या होता है, पल्सेस. लोमी सॉइल में पल्सेस होते हैं. ठीक है, फॉर कॉटन, सैंडी लोमी सॉइल विच ड्रेन वाटर इज, इसमें कॉटन भी होता है. तो कॉटन जो है लोमी में भी होता है और सैंडी सॉइल में भी होता है.
सैंडी सॉइल जिसमें बालू थोड़ा सैंड होता है, ठीक है। विच ड्रेन वाटर इजली, तो सैंड में बालू में भी आप देखते हैं कि वाटर होल्ड नहीं करता है, छन करके निकल जाता है। क्रॉप सच एज वीट आर ग्रोन इन द फाइन क्ले सॉइल, ठीक है, बिकॉज दे आर रिच इन ह्यूमस एंड वेरी फर्टाइल, क्योंकि क्ले सॉइल जो है ह्यूमस उसमें ज्यादा होता है और कैपेसिटी ऑफ वाटर होल्डिंग जो है कैपेसिटी वो सही होती है एंड फर्टाइल होता है। फाइन चीजें फ्रेंड्स, क्रॉप्स इन योर एरिया, आप अपने एरिया में कौन सी क्रॉप्स होते हैं, सॉइल कौन सा है, वो आप अकॉर्डिंग टू दिस सर्च कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं विच काइंड ऑफ सॉइल वुड मोस्ट सुटेबल फॉर प्लांटिंग, ठीक है। इस तरह से ये स्टूडेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम द क्ले एंड सॉइल एंड क्रॉप्स, एंड आज के इतना ही और चैप्टर आपका ये कंप्लीट होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर, ओके, थैंक्स फॉर वॉच द वीडियो।